सो गाइस यहाँ पर बिग बॉस ऑलरेडी 3 घर के अंदर लव कटारी काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं वड़ा पाव गर्ल से, मतलब कि चंद्रिका दीक्षित और सना मकबूल खान से। सो हाँ गाइस, जैसे ही बीबी का टास्क खत्म होता है तो कटारिया बैठे होते हैं और अपने आम का मजा ले रहे होते हैं। एंड वहाँ पर कटारी के पास आ जाती है वड़ा पाव गर्ल और उनके साथ सना मकबूल खान, जैसा कि मानो उन दोनों का किचन पे राज और वो अपने हिसाब से बोलने लगती है आज ये बनेगा आज वो बनेगा, अब ये कर लेते हो अब वो कर लेते, अब इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लव कटारी विशाल पांडे से ये बोलते हैं ये दोनों अपने आपको क्या समझती है, घर की मालकिन है क्या, आती और कुछ भी बोलकर चली जाती है। इन्हें लगता है वड़ा पाव बनाती है तो घर की मालकिन हो गई क्या, और इनके पीछे पीछे हमेशा सना मकबूल भी आ जाती है। इस तरह वहाँ पर कटारिया परेशान आए वड़ा पाव गर्ल से। एंड ऑल्सो गए जब सुबह सुबह लव कटारी अपना खाना बना रहे थे, मतलब कि अपना ब्रेकफास्ट बना रहे थे, सो वहाँ पर उनको फिर से टारगेट करती है वड़ा पाव गर्ल, मतलब कि चंद्रिका दीक्षित। पहले तो उनको मुंह पर कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है और ये कहते हैं कि कुछ इंटेलिजेंट लोग खाना बना रहे हैं और हम भी उन्हें इंटेलिजेंट लोगों की तरह सोफे पर बैठे रहेंगे जैसे वो बैठे रहते हैं। और बेसिकली रणबीर सोने ने वड़ा पाव गर्ल से ये पूछा था कि किचन में नहीं जा पा रही हो तो तुमको कैसा लग रहा है। और गाइस अब देखना ये है कि वड़ा पाव गर्ल की जब ये सभी बातें लव कटारी को पता लगेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। सो गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बीफ चालू हो चुकी है, लव कटारी और वड़ा पाव गर्ल के बीच में। और गाइस अब देखा जाए कि बिग बॉस घर के अंदर हर एक कंटेस्टेंट एक दूसरे के खिलाफ होता हुआ नजर आ रहा है। शुरू में देखने में ऐसा लग रहा था कि सभी के बीच में भाईचारा है, लेकिन वही भाईचारा दोस्ती तो दुश्मनी के रूप में आ गया है। सो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोगों को अपना क्या ओपिनियन है अपने भी नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।